राजाराम हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर किया खुलासा। महिला से अवैध संबंध के चलते की गई थी राजाराम की हत्या। मोहित उर्फ भूरा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। आपको बता दें कि मृतक और आरोपी के एक ही महिला के साथ थे अवैध संबंध। महिला से फक्त अकेले संबंध रखना चाहता था आरोपी। घटना के वक्त मृतक और हत्याकारों ने साथ बैठकर छलकाए थे जाम, फिर ईंट से कुचलकर की गई हत्या। पुलिस ने घटना का नामजद मुख्य आरोपी किया गिरफ्तार। दो फरार आरोपियों की पुलिस अभी भी कर रही है तलाश। सिकंदराबाद में कल हुई थी हत्या, आज सिकंदराबाद पुलिस ने किया खुलासा। राजा नाम आपका? मोहित। जो कल आपने हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या कारण थे? ये जो वो गाड़ी ये जिससे लग रही थी, वो जिस समय मेरी बात थी वो उनसे लग रहे थे, और जी जो पी रहे थे हम पी जा रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी उतार रख दी थी। मेरे साथ के जो बंदे हैं उन्होंने गुस्से में रख दिया। किस चीज़ से मारा था? वो गले में अंगोछा डाला था और एक ने मुंह पे ईंट मारी थी। कल हत्याकांड हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब तक जांच में क्या निकल गया? कल थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट पाई गई थी। सिकंदराबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले शव की शिनाख्त की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे खत्तीवाड़ा क्षेत्र के राजाराम जी हैं, जिनकी हत्या हुई है, और उनके पुत्र के द्वारा थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त भूरा उर्फ मोहित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आज। जो उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए ये बताया गया है कि 12 तारीख की रात्रि में करीब 11:30 बजे मृतक और मोहित उर्फ भूरा तथा उसके दो और साथी फुलखान और जैद, ये चार लोगों ने शराब का सेवन किया, और वहाँ पर अभियुक्त का और मृतक का एक क्षेत्र में ही रहने वाली महिला को लेकर विवाद हुआ, उसमें इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद इन लोगों ने उनका ईंट पत्थर से सर कुचल के उनकी हत्या कर दी। मैम, इसमें कोई महिला की भी संदिग्ध भूमिका रही है? इसके संबंध में भी जांच की जा रही है कि उसका क्या रोल है, पर उसको लेकर ही विवाद इनके बीच में हुई थी, कहा सुनी हुई थी। मृतक और अभियुक्त पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं, और अभियुक्त द्वारा यही बताया गया उसी विवाद में गुस्से में आकर इन सारे लोगों ने उनकी सर पे ईंट मारकर हत्या कर दी। मैडम, 1.5 लाख रुपए भी बताया गया था, कल उनके परिजन बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए इसकी जेब में था। ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है, अगर ऐसे कोई तथ्य होगा तो उसकी भी जाँच की जाएगी। हत्या में कितने लोग शामिल हैं? तीन लोग शामिल हैं। तो धनराशि नहीं, धनराशि वगैरह कोई बरामद? ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।